किया था कोयले को भारी मात्रा में जमा। पुलिस के द्वारा 36 नग कोयले से भरी बोरी और एक साइकिल जब्त किया। अवैध कोयला खनन माफियाओं के ऊपर पुलिस ने शिकंजा कसा, वहीं बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त कर मामला पंजीबद्ध किया गया। उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रबोध कुमार सिन्हा एवं थाना नौरोजाबाद प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा गश्ती के दौरान अवैध कोयले से भरी बोरी को जब्त किया गया है। अवैध कोयला माफियाओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। विगत कई वर्षों से बंद पड़ी खदानों के मुहाने से बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। पुलिस ने 25 एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और विवेचना में जुट गई है। के साथ समी खान नियाजी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बता दें, अवैध कोयला उत्खनन परिवहन किया जा रहा है नियंत्रण कई सालों से। आपको बता दें, नगर नौरोजाबाद में बंद खदानों से कई लंबे अरसों से निकाला जा रहा था कोयला। वहीं कल रात्रि को पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के गश्ती के दौरान कई क्विंटलों कई टन के हिसाब में जब्त किया गया है कोयला और उसे थाने में रख दिया गया है। आपको बता दें, इसकी कार्रवाई भी जारी है और किसके द्वारा निकाला जा रहा है यह कोयला, यह तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें, बंद खदानें जो कि लंबे अरसों से पड़ी हुई हैं, कितनी गहराई से निकाला जा रहा है कोयला, इसका सच हम आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। उमरिया से शम्मी खान नियाजी।